उत्तर प्रदेश का जो चुनावी रण है वो लगभग अंतिम चरण तक पहुंच गया है। आज छठे चरण का मतदान है और सातवें चरण की जो चुनावी प्रचार है वो चल रहा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जो लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा मांग है तो केशव जी की मांग है। और केशव जी यहां से बनारस से निकल रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, आजमगढ़ के लिए। सर, ये क्या लगता है, अब तो लगभग बहुत सारी तस्वीर साफ हो गई है? बड़ा साफ है तस्वीर, तो चुनाव घोषणा के पहले भी साफ थी। पांच चरण का मतदान संपन्न हो गया, उसके बाद एकदम पूरी तरह से साफ हो गई, और भी पूरी तरह से साफ है। हम जो 2017 में विजय प्राप्त किए थे, वह 2022 में जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम और डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो तमाम गरीब कल्याण, किसान कल्याण, उत्तर प्रदेश के विकास के काम किए गए हैं, उसके आधार पर हम लोग बहुत बड़ी विजय की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज, एक सवाल और, हम आपके साथ हैं, तमाम हमारा सफर जारी रहेगा डिप्टी सीएम साहब के साथ, लेकिन एक सवाल थोड़ा सा है इस वक्त की, जैसे आप आजमगढ़ जा रहे हैं, एक परसेप्शन बनाया गया है कि जो आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, मऊ, गाजीपुर, बलिया है, यहाँ बीजेपी अच्छा नहीं कर रही है। ये परसेप्शन इटावा के लिए भी बनाया गया था, फिरोजाबाद के लिए भी बनाया गया था, बदायूं के लिए भी बनाया गया था, कन्नौज के लिए भी बनाया गया था, लेकिन सभी जगह कमल खिल गया है। इस बार मैनपुरी में भी कमल खिल रहा है, इस बार आजमगढ़ में भी कमल खिल रहा है, अम्बेडकर नगर में भी कमल खिल रहा है। इनके जितने भी भूत चढ़े हैं जनता उतार देगी। तो डिप्टी सीएम साहब हैं, साफ तौर से कहना है, चूंकि याद होगा आपको अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेगा, लेकिन यहाँ डिप्टी सीएम साहब का कहना है कि इनका जो भूत चढ़ा हुआ है वो जनता उतार देगी। फिलहाल हम चल रहे हैं उनकी चुनावी जनसभा में, हैं उनके साथ चल रहे हैं, और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में उमड़ रहे हैं। हम डिप्टी सीएम साहब के साथ हैं और हम आजमगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। आजमगढ़, चूंकि आपने सुना होगा कि अक्सर कहा जा रहा था कि जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा अच्छा बीजेपी नहीं कर रही है, लेकिन हम वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ डिप्टी सीएम साहब के साथ पहुँच रहे हैं, और एक कुछ बहुत सारे सवाल हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे। सर, एक तो तीसरे चौथे चरण तक जो मतदान था वो बड़ा अच्छा रहा, शांतिपूर्ण रहा, लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि जो तमाम लोग हैं समाजवादी पार्टी के हैं, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो कहीं अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं है तो वहाँ आक्रोशित हो जा रहे हैं। केशव प्रसाद, स्वामी प्रसाद मौर्य कि हम काफी पे हमली खबर आई, और आज खबर आ रही है कि जो देवरिया से शलभ मणि त्रिपाठी आपके बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनके समर्थकों को बहुत बुरी तरह समाजवादी पार्टी ने मारा है, तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ कानून के हिसाब से पहले तो कठोरतम कार्रवाई होगी। दूसरा, ये जो अपराध की परिस्थितियां पैदा हुई है, ये पराजय की बौखलाहट जो सपा खेमे में है, जो चुनाव घोषणा से पहले ये मान लिए थे कि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, उनके समर्थक गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, सब जो जमीन फूट के पांव ही नहीं पड़ रहे थे, वो अहंकार से पूरी तरह से भर गए थे, और उनको लग रहा था कि 10 तारीख के बाद जिस प्रकार से 2012-2017 के बीच में उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों पर अत्याचार किया, लूट खसोट की, भ्रष्टाचार किया, जमीनों मकानों पर कब्जा किया, खनन के क्षेत्र में घोटाला किया, शराब के क्षेत्र में माफियागिरी की, नकल का एक बहुत बड़ा गिरोह चलाने का काम किया, भर्तियों में एक भ्रष्टाचार करने का काम किया, उन्हें लगा था वो युग फिर से वापस आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मतदान के चरण बीतते गए, वैसे उनको यह पता चल चुका है कि भाजपा फिर से सत्ता में वापस आ रही है, तो ये बौखलाहट के कारण से इस प्रकार के अपराध कर रहे हैं। अपराध करने वालों को ये बता रहा हूँ कि न श्री अखिलेश यादव जी उन्हें बचा पाएंगे, न मायावती जी बचा पाएंगी, और न जिनके इशारे पर वह गुंडागर्दी कर रहे हैं वह उन्हें बचा पाएंगे। 10 तारीख के बाद फुल फ्लेज सरकार अपने उत्तरदायित्व का फिर निर्वहन करेगी, और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं, रासुका भी लगाने का काम करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के अपराध के लिए राजनीति में कोई स्थान नहीं है। गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश से समाप्त हो, इसके लिए 2017 में हमें जनसमर्थन मिला था, हमने उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी को खत्म किया है, अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किया है, लेकिन ये जो बड़े बड़े अपराधी थे इनके गैंग गांव-गांव में फैले हुए हैं, 10 मार्च के बाद उनकी खबर भी ली जाएगी और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी, और सरकार तो भाजपा की ही बनेगी, जीत 300 से ज्यादा सीटों पर होगी, सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों मिलकर के भी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे।
थी। जितना सोचा था उससे ज्यादा सौगात मिली है काशी को। संस्कृति का वैभव मिला है हर भारतवासी को। टूरिज्म का नया केंद्र बना खिड़किया घाट, दुर्गा कुंड तो देखो, देखो ये 80 घाट। सफाई सुविधा बिजली पानी, काशी की मिटी परेशानी। दुनिया के नक्शे में काशी का कमल खिलाया है। कैसे कैसे मोदी जी ने काशी के बेटे का फर्ज निभाया है। काशी क्षेत्र के 143 ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन परियोजनाएं शुरू हुई। गौ माता की सुरक्षा और आश्रय के लिए 102 गौ आश्रय केंद्र खुले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11,680 आवासों का निर्माण हुआ। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। जी हाँ, प्रेडिक्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल रिजल्ट्स एंड विन कैश ओनली ऑन स्काई 247, एनीवेयर एनी टाइम, 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन स्काई 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. सच बताएं आपको, हमको महामारी का डर तो था ही, साथ डर था बच्चों को खिलाएंगे का। एक थैली राशन मोदी जी से आया और एक थैली योगी जी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अरे जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या खिलाएंगे। सोच ईमानदार, काम सरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। आजमगढ़ कहा जाता है, आजमगढ़ आप चल रहे हैं, आजमगढ़ पहले मुलायम सिंह का गढ़ था, अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है, तो क्या लगता है आप जा रहे हैं चुनावी जनसभा करने, वहां पे गृहमंत्री जी भी आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आजमगढ़ का जो चक्रव्यूह था समाजवादी पार्टी का, इस बार वो भी भेदा जाएगा? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि समाजवादी पार्टी पहले अपना गढ़ इटावा को समझती थी, इटावा का गढ़ समाप्त हो गया, वो भाजपा का गढ़ है। फिरोजाबाद को गढ़ समझती थी, आज फिरोजाबाद में कमल खिला हुआ है, विधायक सांसद सब हमारे हैं। बदायूं को अपना गढ़ समझते थे, बदायूं में हमारे सांसद हमारे विधायक हैं। कन्नौज को अपना गढ़ समझते थे, आज कन्नौज में भी हमारे सांसद और विधायक हैं। मैनपुरी को ही अपना गढ़ समझते हैं, सांसद जरूर मुलायम सिंह यादव जी हैं, 2024 में भाजपा का सांसद होगा, लेकिन इस बार चारों विधायक वहां पर भारतीय जनता पार्टी के होंगे। यह समाजवादी पार्टी को सब पता है। उसी प्रकार से आजमगढ़ कोई समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं है, बल्कि यहाँ एक जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति के बल पर उन्होंने लंबे समय तक वोटों का ध्रुवीकरण किया, जातिकरण किया, जिसके कारण से कुछ सफलता मिल गई, लेकिन इस बार उनका अहंकार आजमगढ़ की जनता आजमगढ़ में ही चूर चूर करने वाली। ओम प्रकाश राजभर वाला भी फैक्टर है वहाँ पे, वो भी आजमगढ़ बलिया गाजीपुर, वो ताल ठोक रहे हैं कि यहाँ बीजेपी को घुसने नहीं देंगे। वो तो 2019 में भी कह रहे थे कि बीजेपी का पूर्वांचल में खाता ही नहीं खुलने देंगे। हम 51% वोट के साथ 64 सांसदों के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर 2014 से भी अधिक सांसदों के साथ सरकार बना लिए। ये सब इन लोगों के बयान इनके बस में है, जनता इनके बस में नहीं है। जनता मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है, कमल के फूल के साथ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के बूथों पे आजकल भूत नाच रहा है। भूत तो उनके दिमाग में इस समय नाच रहा है, क्योंकि भूत पूर्व हो गए हैं ना, भूत 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 ही रहेंगे और वह कभी अब वर्तमान नहीं हो पाएंगे। अब इस कहिए कि श्री मुलायम सिंह यादव जी के सल्तनत के आखिरी सुल्तान के रूप में 2012 से 2017 तक उन्होंने शासन कर लिया और जितना अत्याचार किया है वह अत्याचार कोई भूले नहीं। और एक आजकल गाना चल रहा है, हम भूल गए सब बात, सब तेरे शासन का अत्याचार नहीं भूले, तेरे शासन का दंगा राज नहीं भूले, तेरे शासन के
समय में जो जमीनों पे कब्जा नहीं भूले, महिलाओं के साथ हत्या की घटना नहीं भूले, बलात्कार की घटनाएं नहीं भूले, भर्तियों बिना रिश्वत के नहीं हुई या नहीं भूले, हम भूल गए सब बात। प्रदेश का बच्चा यही कह रहा है। फिलहाल हम चुनावी सफर पे हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां पर जनसभा में लोग उमड़े हैं। हालांकि बहुत सारे जो दावे समाजवादी पार्टी की तरफ से किए जा रहे थे, बहुत सारे जो एक तरह से कहा जाता कि जो चुनावी जनसभाओं में अपने अखिलेश यादव व्यंग बोल रहे हैं, उसका भी जवाब डिप्टी सीएम साहब ने। फिलहाल हम पूरा दिन चुनावी सफर पे हैं डिप्टी सीएम साहब के साथ और हम आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खाली चुनाव के समय जिन्हें गरीब याद आते हैं उन पे भरोसा कैसे होगा? अरे भरोसा तो उन पर होगा ना जो हमेशा गरीबों में ईश्वर को देखते आए, जैसे मोदी जी। अरे हमारे चरण तक धोए हैं उस आदमी ने। उनका भगवान एक ही है, गरीब, समझे? गरीब को घर, अन्न, दवा, शिक्षा, सुरक्षा सब दिया है, वो भी बिना भेदभाव के। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिता। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। सुबह के लिए उड़ चला खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। भाजपा का संकल्प है उज्ज्वला लाभार्थियों की होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर वाली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लगभग हम पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन एक जहन में मेरे और सवाल आया। फुजा डिप्टी सीएम साहब हैं और मौका मुझे नहीं मिल पाएगा इसके बाद उस सवाल का। सर, सिराथू से आप चुनाव लड़े, आपका गृह जनपद है, 1962 में हेमोदीनंदन बहुगुणा थे वहां से, उसके बाद लगातार बसपा और तमाम पार्टियों के पक्ष में वहां का मतदाता रहा। 2012 में मुझे जहां तक जानकारी है आप आए वहां पर। इस बार बड़ी व्यू रचना की थी समाजवादी पार्टी ने, कहा जा रहा था कि वहां पल्लवी पटेल लड़ रही हैं, जो तमाम कास्टिज्म वाला इक्वेशन है वो उनकी तरफ जाएगा। बड़ी कोशिश की गई आपको हराने की, क्या लगता है कि क्या इनकी कोशिशें जो हैं वो कामयाब होंगी या उससे और निखर के आपका व्यक्तित्व और आपका वो निकल के वहां से? सवाल के आखिरी शब्द प्रयोग किए, मैं तो चाहता था श्री अखिलेश यादव जी सिराथू चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें अपनी औकात का पता चल जाए। उनकी पार्टी की औकात तो कभी वहां सिराथू जीतने की रही नहीं, क्योंकि सिराथू में एक बार उपचुनाव जीते थे जब वाचस्पति, जो इस समय भाजपा अपना दल गठबंधन से 12 से प्रत्याशी हैं, वह लड़े थे। और उसके अलावा कभी समाजवादी पार्टी का सिराथू विधानसभा में खाता न खुला है और न भविष्य में खुलेगा। समाजवादी पार्टी के पास गुंडे हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, जातिवाद की राजनीति का सहारा है, तुष्टिकरण की राजनीति का सहारा है। लेकिन हमारी सरकार में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको मंत्र दिया था, सबका सबका विकास, हम लोगों को कहा गया था हमारे लिए गरीब गरीब एक जैसा है, वो हिंदू और मुसलमान के चश्मे से हम ना देखते हैं ना हमें देखने के लिए कभी पार्टी ने हमारी कहा है। लेकिन सपा का जो चरित्र है वो इसके विपरीत है, वो एक जाति को देखते हैं और एक समुदाय को देखते हैं, अर्थात कुछ का साथ कुछ का विकास करते हैं। भाजपा सबका साथ सबका विकास किया, इसलिए सबका समर्थन मिल रहा है, और सिराथू ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। और 10 तारीख को
उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाएगी। इनके गुंडा राज पुनः स्थापित करने के सपनों को चकनाचूर जनता जनार्दन करेगी। नहीं चाहिए किसी को गुंडा राज। एक रोटी आदमी कम खाना चाहता है, लेकिन वह सुरक्षा में रहना चाहता है, सुकून से रहना चाहता है। उसको हर समय किसी गुंडे अपराधी का भय हो। उसके खेत में, उसके जमीन में, उसके मकान में कब कब्जा हो जाएगा, कब उसकी बेटी बेटे किसी गुंडे अपराधी अपहरणकर्ता के द्वारा उठा लिए जाएंगे। यह जो भय है उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है जो 2012 से 17 तक, उससे मुक्ति का कालखंड रहा है 2017 से 2022 तक। अब 2022 से 2027 तक हम पूरी तरह से इस प्रकार के कचरे को साफ करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े अपराधियों पर कार्रवाई हो गई, लेकिन उन अपराधियों से जुड़े हुए गैंग के लोग अभी जो गांव में रहते हैं, कई नगरों के मोहल्लों में रहते हैं, अभी उन तक पहुंचना बाकी था। वो 10 मार्च के बाद उन तक भी पहुंचेंगे, या तो वो सही रास्ते पे आकर के सराफत की जिंदगी जीना शुरू कर देंगे, अन्यथा उनकी जिंदगी कानून के माध्यम से इतनी कठिन कर देंगे कि आने वाली पीढ़ियों में कोई अपराध करने की नहीं सोचे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। भरोसा भैया, भरोसा उस पर होता है जिसने आपके साथ सौतेला व्यवहार न किया हो, जैसे कि अपने मोदी और योगी। याद है ना, पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा पंचर रहती थी। भाई ये तो योगी मोदी ने रायबरेली और गोरखपुर में एम्स बनवाया और आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का इलाज मुफ्त दिलवाया। भरोसा है, आगे हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और एम्बुलेंस दुगनी करेंगे, और फायदा हम गरीब को ही तो मिलेगा, क्योंकि सेंटर में जो मोदी जी बैठे हैं ना, उनके सेंटर में जाधर नहीं, हम गरीब रहते हैं। इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार के लिए उड़ चला घरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो, मां केसरी। सच बताएं आपको, हमको महामारी का डर तो था ही, साथ डर था बच्चों को खिलाएंगे का। एक थैली राशन मोदी जी से आया और एक थैली योगी जी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अरे जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या खिलाएंगे। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। एक और सवाल आखिरी में पूछना चाहूंगा आपसे कि जिस तरीके से आपने देखा कि एक उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है, चाहे किसी भी प्रदेश का हो, उसमें जो कास्टिज्म बड़ा हावी रहता है, और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार जो वोटिंग हुई है वो कास्टिज्म से थोड़ा ऊपर हुई है, तो क्या ये हमेशा इसी तरह होगा? कास्टिज्म है, मैं पूरी तरह से नहीं मानता हूँ कि खत्म हो गया है, लेकिन जितना है उससे ज्यादा खत्म हो चुका है। इसी के कारण हम 2014 का लोकसभा चुनाव जीते, 2017 का विधानसभा चुनाव जीते, फिर सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी 2019 का लोकसभा चुनाव जीते। तो यह जो जातिवाद की राजनीति से बाहर निकल करके लोग विकासवाद की राजनीति, सुशासन की राजनीति, सुरक्षा की राजनीति, रोजगार की राजनीति, महिलाओं के सशक्तिकरण की राजनीति, भर्तियों से भ्रष्टाचार खत्म करने की व्यवस्था वाली राजनीति को अपना समर्थन आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी के कारण हम लगातार 3 चुनाव जीते हैं, चौथा चुनाव जीतने की प्रक्रिया चल रही है। 10 तारीख कोर्ट की गिनती के बाद चौथा भी जीतेंगे, फिर 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा तो 5वां चुनाव भी यूपी में भाजपा ही जीतेगी, कमल का फूल ही जीतेगी।
समझ सकते हैं आप कि जो क्षतिगत समीकरण बताए जाते हैं चुनाव लड़ने से पहले हर एक प्रत्याशी आंकता है, उस पर भी बीजेपी काम कर रही है। डिप्टी सीएम साहब का कहना है कि वो भी हम लगभग खत्म करने की कगार पर पहुंचे हैं, और 2022 ही नहीं बल्कि 2024 में भी हम एक बार फिर उत्तर प्रदेश में जो तमाम जो की जनता है उनके नजर में जो उन्होंने जगह बना रखी है वो उस पर कायम रखेंगे, और साथ साथ सिराथू में जो एक पोजीशन बनाया था विपक्ष ने डिप्टी सीएम साहब के विरोध में, वो भी इस बार धराशायी होगा। तो हम पहुंच चुके हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ जहां बताया जाता है, कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, ये डिप्टी सीएम अपने चुनावी जनसभा में आ गए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, यहां पे सामने जनसभा स्थल है और यहां से एक कार्यक्रम की तैयारी है, इसके बाद तुरंत वो फिर निकलेंगे, चूंकि आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उसमें रोड शो भी है और तमाम चीज़ें हैं, तो वो इसके बाद यहां से फिर बनारस निकलेंगे। तो फिलहाल यहां पहुंच चुके हैं और यहां दिखाएंगे कि आपको तमाम सामने लोग हैं, समर्थक हैं, वो खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं और कुछ देर में यहां से सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पहले जब कोई बड़ी बीमारी या महामारी आवत रही तो टीका भी देश से आवत रहा और हम लोगन तक पहुंचन मा तो जमाने लग जात रहे, पर ये बार कोरोना का टीका अपने ही देश में बना है। इतने सारे देशन की जनसंख्या के बराबर टीका तो सिर्फ हम यूपी वालन के ही लगा है, वो भी एकदम मुफ्त। आज कौन और सरकार होती तो विदेश से टीका मंगवाती और कमीशन खाती भरपेट, फिर हम लोगन का नंबर कब आता हिसाब लगा लो। कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिताए। जुबाए के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। भाजपा का संकल्प है इंगी सरकारी भर्तियां, तत्काल करेंगे खाली पदों पर नियुक्तियां। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। केशव प्रसाद मौर्य के साथ हैं, ये दूसरी जनसभा है आजमगढ़ में ही, केशव प्रसाद मौर्य की ये दूसरी जनसभा है जहां हम उनके साथ आए हैं। ये विधानसभा निजामाबाद है, निजामाबाद, हालांकि अगर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में लगभग 10 सीटें हैं और 10 सीटों में बीजेपी 2017 में सिर्फ एक सीट जीत पाई है, लेकिन अब फिर 2022 में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है यहाँ पे वो बीजेपी का कमल खिला सके, और बीजेपी का जैसा केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि कमल का फूल खिलेगा, तो केशव प्रसाद मौर्य यहाँ निजामाबाद आए हैं और यहाँ कमल के फूल को खिलाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। तो आइए हम चलते हैं जनसभा स्थल पर जहाँ केशव प्रसाद मौर्य हैं, डिप्टी सीएम हैं यूपी के, स्टार प्रचारक हैं और लगातार वो चुनावी दौरे कर रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, रैलियों में भाग ले रहे हैं और लोगों से भारतीय जनता पार्टी में के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। हमारे महामंत्री के रूप में जयप्रकाश जायसवाल जी, उन्नाव के विधायक बहुत ही अनुभवी साथी श्री पंकज गुप्ता जी,
विधानसभा के प्रभारी ऋषिकेश दुबे जी, विधानसभा के संयोजक हनुमंत सिंह जी, हमारे मीडिया के साथी अमित तिवारी जी, हमारे मंडल अध्यक्षगण,